बहुत बड़ी बात है। कबीर साहब कहते हैं, संसार में सुख चाहते हो, जगत में शांति से जीना चाहते हो, असंग बन करके रहो। सुबह से शाम तक हजारों लाखों लोगों का संग करो, लेकिन सबके संग में भी असंग रहो। असंग का मतलब निर्लिप्त रहो, उनमें लिप्त ना हो, उनकी माया मोह में डूबो ना। निरंतर कमल का फूल जल में रहता है, लेकिन जल में लिप्त नहीं होता है, जल में डूबता नहीं। धन्य है, कमल की तरह रहना सीखो। यदि जग में रहूं तो ऐसे रहूं जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे, जैसे जल में कमल का फूल रहे। तुम घर में रहो लेकिन घर तुम्हारे भीतर न रहे, देखो बहुत बड़ी बात है। तुम धन के बीच में रहो लेकिन धन तुम्हारे अंदर न घुस जाए, बड़ी कला है ये। घर में आग रखो लेकिन चूल्हे में रखो, पूरे घर में न फैला दे। ये संसार में रहो लेकिन संसार तुम में न रहे, जगत में रहो पर जगत आपके अंदर न घुसने पाए, ये कला सीखना है। जगत जाल में मत परे, केवल दुख यही माही, सत्य कहूं सत्य सत्य कहूं, सुत सुख सपनों मंदालसा। अपने पुत्र के लिए जंत्र लिख करके बांध देती हाथ में कि बेटा जब जीवन में बहुत बड़ा दुख है तो इसको खोल कर पढ़ लेना। उसमें यही लिखा था, खग मृग किन्नर नाग नर दैत्यासुर समुदाय, युग युग में जे तरे ते सकल साधु संग पाए। हे बेटा, युग युगांतर में जो भी भव सागर से तरे है वो सभी साधु की संगत से ही तरे है, इसलिए जगत जाल में मत। सत्य कहूं सत्य सत्य कहूं, सुत सुख सपनुना। हाँ बेटा, मैं सत्य कहती हूँ सत्य सत्य कहती हूँ, हे मेरे पुत्र, जगत में स्वप्न में भी सुख नहीं है। कहाँ जगत क्या है? ये मांस मछली खाना ये जगत, दाल चावल सब्जी रोटी खाना ये जगत नहीं, ये जरूरत है। और दाल चावल सब्जी रोटी भी ज्यादा खाना फिर ये जगत है, और दाल चावल सब्जी रोटी मात्रा भर खाना, कम खाना, जरूरत भर खाना तो ये जगत नहीं फिर ये जरूरत है। बीड़ी पीना ये जगत है, ये जरूरत नहीं, बीड़ी के बिना भी आप रह सकते हैं। सिगरेट पीना, गांजा पीना, चरस खाना पीना, गांजा भांग अफीम दारू जुआ खेलना ये सब जगत है, यही जगत है। ये जगत आपके अंदर घुसने ना पाए, आपके ऊपर प्रभाव ना डालने पाए। पड़ोस में बैठे लोग ताश खेल रहे हो लेकिन तुम फिर भी कभी ताश खेलने वालों से प्रभावित ना हो, और उनके साथ में बैठकर कभी ताश खेलना भी नहीं है तो समझ लो इस जगत में जल में कमल जैसे जीता है, ऐसे तुमको जिंदगी जीने की कला आ चुकी है। कोई दारू पीता है, मांस मछली खाता है, मुर्गी मुर्गा खाता है, लेकिन तुम उसको देख करके आकर्षित होकर कभी मत खाओ तो समझ लो जगत को तुमने जीत लिया है। जरूरत की जिंदगी जीना, जगत में जल में कमल जैसे जीना है। कोई कैसे करे हमसे का मतलब, कोई कैसे करे। विशाल देव कहते हैं
पूरी दुनिया सुधार करके तुम सुधरना चाहो तो ये कभी संभव नहीं है। पूरे सड़क के कांटे साफ करके तुम यात्रा करना चाहो ये संभव नहीं है। देर हो जाएगी, टाइम पर पहुंचोगे नहीं। लेकिन अपने पांव में अच्छे से जूते पहन करके और उन कांटों पर ही रौंदते हुए चले जाओ तो टाइम पर पहुंच भी जाओगे और कांटे तुम्हारे चुभेंगे भी नहीं। अपने आप को बचाने की कला सीखो। बोले सद्गुरुदेव की जय। जगत जाल में मत फंसे केवल दुख यही मां। तुम्हारे गांव में कितनी बेविचारणी स्त्रियां हैं, उनको देख करके कभी भी बेविचार की तरफ मन आकर्षित ना हो तो जल में कमल जैसी जिंदगी जीने की कला उस नारी को आ गई है। फिर वो नारी एक पति व्रत का पालन यदि करती है तो नारी नहीं, उसे फिर नारायणी का स्थान दिया गया है। उसे नारायणी का स्थान दिया गया, लक्ष्मी का अवतार है। बस समय पूरा हो गया, बंद कर दूंगी, 10 मिनट और सुना दूं। अरे सुना देता हूं क्या, कोई किराए का आदमी थोड़े। हाँ साहिब बंदगी। हाँ कोई किराया भाड़ा तो लेता नहीं हूँ, कोई देता भी नहीं है, और लूंगा तो कोई आएगा भी नहीं। एक बार मैं सोचा था, मैं टिकट लगा दिया था जयपुर में टिकट, तो टिकट लगा था ₹500 टिकट लगाया कि 200 का। मैं एक बार ट्राई किया, हमने कहा देखें क्या होता है। जयपुर में ऑडिटोरियम में सत्संग रखा वर्षा ऋतु में, वहाँ टिकट लगा तो जो हमारे खास खास भगत थे, खास खास, सब टिकट खरीद लिए ऑनलाइन। बोले अरे 500 के हम 5000 दे देंगे, आप टिकट लगाओ तो देंगे, न टिकट लगाओ तो देंगे, हम तो आपके निकट हैं और विकट भगत हैं, हमारे में कोई बात नहीं है, टिकट लगाओगे तो भी दे देंगे, हमको तो देना ही है, आपको दान पुण्य करना ही है। तो एक भगत और आया, अरे बोले टिकट जयपुर में सत्संग करोगे, सारा खर्चा मैं अकेले करूँगा, टिकट उकट सब रद्द। एक ही भक्त, उसका नाम सुवालाल, शुवालाल उसका नाम है, पप्पू भैया, विकास, मनीष और अमित कुमार, उन्होंने कहा ये जयपुर में आप अपने खर्चे से कुछ भी करें अच्छा नहीं, टिकट उकट कुछ नहीं, जो भी 2-4 लाख लगेगा हम लगा देंगे। तो उन्होंने सब लगा दिया। शुवालाल शर्मा है, शर्मा बहुत अच्छे आदमी, उनकी पत्नी श्रीमती कमलाबाई शर्मा, उनके बच्चे भी बहुत श्रद्धावान हैं। धन्य हो शुवालाल शर्मा, धन्य हो विकास भैया, अमित भैया, मनीष भैया, और धन्य हो पप्पू जी, धन्य है पूजा, पूजा देवी, पूरे बड़ी श्रद्धा है। जयपुर में फर्स्ट वही हमसे जुड़े थे, अब बहुत जुड़ गए राजस्थान जयपुर में, कई लोग प्रोग्राम कराना चाहते हैं, 4 जजमान आयोजक हैं जो 5-5 लाख खर्च करने के लिए तैयार बैठे प्रोग्राम के लिए कि जयपुर दीजिए आप। मैंने कहा एक ही आदमी को मिलेगा, बोले 4 दिशाओं में चारों को दे दो, बड़ा जयपुर है, लखनऊ जैसी राजधानी है। तुमने कहा देखता हूँ, बोले देखना क्या है, दे दीजिए गुरुदेव मान जाइए। सब जगह प्रोग्राम करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं आश्रम में प्रोग्राम करता हूँ तो पीलीभीत से 20 और 25 लोग आ सकते हैं, पर मैं वहाँ अगर चला जाता हूँ तो 20 से 25 हजार लोग सत्संग सुन लेते हैं, तो वहाँ जाना ज़्यादा बेहतर है। वृक्ष कब हो नहीं फल भखे नदी न संचय नीर, परिमार्थ के कारणे साधुन धरा शरीर। आप देखते होंगे जब आते होंगे आश्रम में कुछ नया विकास आपको दिखता है, आपका दान दिया हुआ धन आपकी सुविधा में आपके सत्संग के लिए प्रबंधन कमेटी खर्च करती है। ये सत्संग हाल बनाया है, ये आपके दान से ही बना है, सबके दान से।
भक्तों के ठहरने के लिए 7-8 कमरे का भक्त विश्राम गृह बनना, जो विशेष सुंदर बनेगा, यानी जिसमें भक्त पहुंच जाए तो अगर 2 दिन के लिए आया है तो 3 दिन रहे ऐसा, फिर उसके ऊपर 2री मंजिल 3री मंजिल वो सब धीरे धीरे बनता जाएगा। ये सब राशि भक्त विश्राम गृह के निर्माण में लगेगी, जिसमें आप लोग ही आकर के ठहरा करेंगे, निवास करेंगे। आपका धन गुरुदेव के चरणों में जब पहुंचता है, पूरे विश्व की सेवा में लगा दिया जाता है, विश्व की सेवा में लगा दिया जाता है, ज्ञान के प्रचार प्रसार में लगा दिया जाता है और भक्तों की सुविधा में लगा दिया जाता है, भंडारा में लगा दिया जाता है, क्योंकि भंडारा भी भक्तों को मिलना चाहिए, आश्रम में कोई असमंजस नहीं पड़ना चाहिए। कितने भक्त अन्नदान लेकर आते हैं, कोई धन दान लेकर आता है, कोई वस्त्र दान लाता है, कोई कोई भक्त ऐसे भी हैं जो 50-50 प्रकार की चीज़ें जो जो जरूरत है सब लेकर आते हैं कि ये जरूरत रहेगी वहाँ आश्रम में, ये जरूरत रहेगी, बड़ा दिमाग लगाते ख्याल करते हैं। तो कितने भक्त धनराशि देते हैं, कहते हैं जो जरूरत हो ले लेना, जिसमें जरूरत उसमें लगा देना, आप स्वतंत्र तरीके से कर दीजिएगा। और मेरा इच्छा यही है, सुख शांति और सुविधा और सुरक्षा, जीवन में सुख भी रहे, शांति भी रहे, सुविधा भी रहे, सुरक्षा भी रहे, ऐसा संतों के लिए और भक्तों के लिए आश्रम निर्मित होना चाहिए। भक्त भी सुखी रहे, सुविधा से रहे, और संत भी सुविधा से रहे। संत तो भगवान का रूप है, संत कोई साधारण नहीं, संत बहुत बड़ी चीज है। अरे संत धन्य है संत। धन्य है संत। संत हृदय नवनीत समाया, निजे परिताप द्रवही नवनीता, पर दुख द्रवही शो संत पुनीता। निजे परिताप द्रवहीन वनीता, पर दुख द्रवहीशो संत पुनीता। संत हृदय असंग रहना, ताते रहे अकेला, अकेला रहने का तात्पर्य है असंग रहना चाहिए। असंग का अर्थ है किसी भी कुसंग का तुम्हारे ऊपर प्रभाव न पड़ना, दुनिया की किसी भी बुराई का तुम्हारे ऊपर असर न पड़े, तो समझ लो तुम असंग हो। संसार में तरह तरह के दृश्य देखने को मिलेंगे, तरह तरह के लोग मिलेंगे, विचित्र विचित्र बिगड़े हुए इंसान मिलेंगे, लेकिन गलत लोगों का, गलत दृश्यों का तुम्हारे ऊपर असर ही ना हो तो समझो तुम असंग हो गए, फिर तुम अकेले ही हो। तुम्हारी आत्मा असंग है, आत्मा अजर अमर अविनाशी है, और आत्मा जब असंग बन करके जीवन जीने लग जाती है, कुसंग से मुक्त हो जाती है, आत्मा के ऊपर जब माया मोह का प्रभाव नहीं पड़ता है, तो याद रखना यही आत्मा परमात्मा का रूप ले लेती है, और यही आत्मा महान आत्मा बनती है, और यही आत्मा राम के अंदर भी वही आत्मा थी, लेकिन कुसंग का असर उनके ऊपर नहीं पड़ा, इसलिए राम भगवान कहे गए हैं। याद रखना वो व्यक्ति भगवान बन जाता है जिस पर बुराइयों का असर नहीं पड़ता।
ये संसार आप जब पीलीभीत से, बरेली से, कंचनपुर मुड़िया से, फूटा कुआं से आश्रम आ रहे थे संजीत धवन, रास्ते में बहुत लोग मिले, बहुत चीज़ें देखा, गन्ने के खेत लगे, सब लगे, लेकिन कहीं तुम रुके नहीं, किसी का असर नहीं पड़ा, कोई का आकर्षण रोक नहीं पाया, सीधे चलते चले आए। इसी का नाम है असंग जिंदगी हो गई। निकलते चले गए, कहीं लिप्त नहीं हुए, कहीं रुकावट नहीं आई, कहीं फंसे नहीं, कहीं लसे नहीं, कहीं धसे नहीं, चलते चले आए। तुम्हारी राह में कोई बाधा ना आ सके। अखंड भक्ति करना, परस्पर प्रेम से रहना, गुरु की माला सदैव पहनना, सुबह शाम गुरु का ध्यान करना, प्रातः वंदना संध्या वंदना करना, गुरु महिमा का पाठ शाम को करना, गुरु का प्रवचन स्वयं सुनना, दूसरों को सुनाना और नित्यदानी भक्त बनना, गुरु के ज्ञान के प्रचार प्रसार में भी लग जाना, गुरु के स्टार प्रचारक बनना, कम से कम रोज 10, 20, 50, 100, 200 लोगों को बताना और लोगों के मोबाइल में भी शेयर करना, व्हाट्सएप पे डालना, ग्रुप बना लेना, उसमें सत्संग की बातें गुरु की भेजना, गुरु की तस्वीर भेजना, ऐसा हमारे बहुत से भक्त कर रहे हैं। अभिषेक यादव जी हैं, शेखर भायल हैं, राजेश भायल हैं, इसी तरह अमित कश्यप जी हैं, ये हमारे बंडा वाले, ऐसे ही इसी श्रृंखला में बहुत से लोग जुड़े हुए हैं जो इस सेवा को आगे बढ़ा रहे हैं, फेसबुक में, व्हाट्सएप में और यूट्यूब में खूब धनाधन डाल रहे हैं। पूरा गुरु की वाणी छा दो, लोग हजार बार देखेंगे, एक बार असर तो पड़ ही जाएगा। सब भटकी हुई आत्माएं माया मोह से ग्रसित हैं, उनको माया के जंजाल से खींचकर पार निकालने के लिए बार बार गुरु का दर्शन कराना पड़ेगा, गुरु की वाणी सुनाना पड़ेगा। और डेड बॉडी भक्त मत बनो, तेज तर्रार भक्त रहो, स्वयं भी सत्संग की चर्चा करो, स्वयं भजन भी गा दो और गुरु की वाणी, जैसे हमारे भक्त श्री नन्हे लाल मौर्य बरेली वालों ने बताया कि हम एक बाजा रखते हैं, बाजा से बजाते हैं, बढ़िया बाजा है, गुरु जी ने उसको स्पर्श किया, बिगड़ा भी नहीं, तब से ठीक से सुनाई देता उसमें, ऐसे बाजा जैसे शिव शंकर कुशवाहा सासाराम रोहिदास बिहार वाले, उन्होंने कम से कम 600 वो बाजा खरीद कर बाँट दिया है लोगों को, वो बड़ी हस्ती है और बहुत श्रद्धा है, हंसते रहते हैं, कह रहे थे ऐसी टेंशन हुई थी परिवार से, अब मरे अब मरे अब मरे, लोग बोले अब तो ये मरी जाएगा, बोले हंसना मुस्कराना सब बंद, निराश हो गए, उदास हो गए, डिप्रेशन में पहुंच गए, सारी दुर्दशा, बोले अचानक आपका प्रवचन एक रिश्तेदार के यहाँ सुना, धड़क के सुना रहे, अरे हमने कहा ये संत तो जिंदगी दे सकता है, खोई हुई मुस्कान को वापस ला सकता है, बोले आपका प्रवचन सुनना शुरू किया, सारे टेंशन के बादल छट गए और जिंदगी में हंसी खुशी का सूरज निकल आया और अब बड़ा हंसता रहता। हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, बेकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। हंसते रहो ये जिंदगी, हंसते रहो ये जिंदगी बेकार न हो जाए, और सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार न हो जाए, अपकार न हो जाए। आपका जीवन मंगल में हो, आपकी भक्ति प्रफुल्लित हो, ध्रुव प्रहलाद शिवरी और मीरा से भी श्रेष्ठ भक्ति आपकी हो। मीरा ने भक्ति करके दिखा दिया कि इतना तो मैंने किया है, तू इससे आगे कर। ध्रुव ने भी दिखा दिया कि मैंने भक्ति के नाम पर इतना बड़ा त्याग किया है, तू मेरे से विहागी नाम ले ले, मैं तो केवल ध्रुव हूं, तू उससे बड़ा महाध्रुव बन जा। सीमा में नहीं रुकना है, महान भक्ति महान श्रद्धा। निंदा करने वालों को भी समझाइए, उनको उत्तर दीजिए, क्योंकि तरह तरह के लोग मिलेंगे। जब राम भगवान के समय में, उनके युग में राम भगवान से लड़ने वाले मिल गए, उनकी पत्नी को चुराने वाले मिल गए, तब फिर तुम समझ लो तुम्हारे गुरु की भी निंदा करने वाले इस युग में मिल सकते हैं और तुम्हारी भी निंदा करेंगे कि कंठी कंठा बांधे घूम रहा है,
ऐसे बोलेंगे और देखो चंदन पंदन लगाए फालतू ढोंग मचाता है, ऐसे बोलेंगे। तुम उनको उत्तर दे देना, कंठी बांध कर देखो तो इतनी हिम्मत कहाँ जो कंठी बांधो तुम। ये कंठी का अर्थ है मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ना। छोड़ पाओगे? एक बीड़ी तो छूटती नहीं है, ये कहाँ छूटेगा तुमसे। ये कंठी की निंदा करते हो, अगर कंठी नहीं पहना तो अगले जन्म में वो जंजीर पहनना पड़ेगा, भैंस बनोगे जाकर। हाँ, वो मारू सांड जो घूमत उसके गले में खूंटा बांध देते, एक लकड़ी मोटी लटकाओ थे, वही बनोगे तुम। अभी खीसे काढ़े रहो, निंदा करते रहो। भक्त की जो निंदा करता है, संत की जो निंदा करता है, याद रखना अपने साथ जन्म बिगाड़ लेता है। कोई संत के भेष में किसी से गलती हुई है, इसका मतलब ये नहीं कि सब महान संत भी उसी तरह के हो गए। कोई एक भक्त से कुछ भूल चूक हो भी गई है, कमाल है। जब पूर्णागिरी की ऊंचाई पर लाखों लोग चढ़ रहे हैं तो एक दो फिसल कर गिर भी पड़े हैं, पैर में चोट भी आई है, नहीं चढ़ पाए हैं या वहां मर भी गए हैं, तो इसका अर्थ ये थोड़े कि सभी गिर पड़े हैं। तुम निंदा करने के लिए बैठ गए, वो लाखों जो चढ़ गए हैं उनकी प्रशंसा क्यों नहीं कर रहे? तुमको गिरा हुआ एक आदमी दिखता है और लाखों चढ़ करके ऊपर जो पूजा कर रहे वो नहीं दिखते तुमको? अरे निंदक महाराज सुधर जाओ तुम। गुरु की निंदा कब हुन करई, धर्ममयी अंतस यही हाती, मार्ग विघ्न न तारि भेटाती, सावधान हो ईश सदाई, अपने काम में पूरे रहानी। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। संतो भक्ति सतो गुरुवाणी, संतो भक्ति सतो गुरुवाणी। नारी एक पुरुष दोई जाया, बूझो सतो गुरुवाणी।